नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाइक की एक बार फिर से सुपर कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी सेगमेंट की बाइक मिलेगी। चाहे आपका जो डिमांड आता था, आपका कमेंट आता था, दोस्तों हमें मुझे R15 चाहिए, बुलेट चाहिए, KTM चाहिए, वो हर एक बाइक सेगमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मेरे साथ है आज फारिद भाई। भाई आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। और फारिद भाई, एक बार फिर से आपसे मिलके काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपका बाइक का जो कलेक्शन देख रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलेक्शन आप रखते हैं दोस्तों। उसके साथ ही ये सुजुकी का आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश बाइक है, काफ़ी हेवी लुक के साथ आता है ये बाइक। और इसका भैया सुजुकी का ये जो गाड़ी है, इसका क्या प्राइस है, मॉडल क्या है आप बताएंगे? 18 मॉडल गाड़ी है जी। इसका 75,000 पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और काफ़ी कंडीशन गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप रायपुर से हैं, रायपुर के आस पास हैं, तो आपको काफ़ी सही लोकेशन है यहाँ पे आपको गाड़ी देखने के लिए। और ये सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली है और काफ़ी कंडीशन गाड़ी पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी हेवी लुक के साथ आता है ये बाइक। उसके साथ ही दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आता है कि हमें 220 दिखाओ, 220 दिखाओ। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ पल्सर की ये 220। इसका प्राइस और मॉडल आप बताएंगे भैया क्या है? आपको पड़ेगी, आपको इसकी पड़ेगी 65,000 रुपये जी। गाड़ी बहुत सुंदर है और बहुत साफ सुथरी गाड़ी है। और भाई ये भी बताओ, जैसे कि अगर गाड़ी में मान लीजिए लेने के बाद कोई दिक्कत आता है, तो उसमें आप क्या सपोर्ट देते हैं? इसके वो सपोर्ट इसलिए है कि देखो, जैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है, हमारे से कोई गलती होगी, बिल्कुल गाड़ी को ले आइए, गाड़ी जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके हम देंगे आपको गाड़ी। बिल्कुल, भैया के पास से आप गाड़ी लेके जाएंगे तो भैया का भरोसा यहाँ पे मिलेगा। अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आता है तो भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सारा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके देंगे। उसके साथ ही यहाँ पे और देख रहे हैं आप, ये 220 ये 2018 मॉडल है। और इसकी प्राइस क्या है भैया? ये पड़ेगी 85,000 रुपये। 85,000 में आपको एक और 220 मिल जाएगी। 2 साल पुरानी हुई है ये गाड़ी और कलर वगैरह इसका काफ़ी शाइनिंग दे रहा है, काफ़ी कंडीशन गाड़ी लग रही है। ये पेंटेड गाड़ी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। और ये काफ़ी सही कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही दोस्तों आप लोग का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि बुलेट दिखाओ, बुलेट दिखाओ। रायपुर में मैं आप लोगों के लिए बुलेट भी ले आ चुका हूँ। और ये बुलेट का प्राइस और मॉडल आप बताएंगे भैया कौन सी? ये 18 मॉडल बुलेट है जी। और ये है तुम्हारा 1,45,000 रुपये गाड़ी है जी, एकदम फ्रेश गाड़ी, बहुत कम चली गाड़ी हुई है जी। ये तुम्हारा 17,000 चली है गाड़ी, मात्र ये 17,000 चली है दोस्तों गाड़ी, 17,000 किलोमीटर चली है गाड़ी दोस्तों। और ये बुलेट व्हाइट कलर में आप जो देख रहे हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इसकी कंडीशन भी काफ़ी गुड कंडीशन में यहाँ आपको मिल रही है। और आप अगर ऐसी गाड़ी देखना चाहते हैं बुलेट रायपुर में, तो आपको ये काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ ही एक और मैं बता दूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर की एक और भी बुलेट है। इसका प्राइस और मॉडल आप बताएंगे भैया? ये है 19 मॉडल गाड़ी जी, डबल ABS वाली गाड़ी है ये जी। ये पड़ेगी आपको 1,65,000। 1,65,000 में आपको यहाँ पे एक और गाड़ी मिल जाएगी जो 5,000 किलोमीटर ही चली हुई है, डबल डिस्क के साथ है दोस्तों। और ये दो डबल ABS है, डुअल ABS सिस्टम के साथ ये आती है, आपको पीछे और आगे दोनों इसमें आपको ABS का फीचर देखने को मिलेगा। और ये भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल रही है। अगर आप कोई बुलेट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। भैया के पास और भी स्टॉक रहते हैं, मैं वो सारा स्टॉक भी बता दूंगा। दिन प्रतिदिन भैया के पास नए नए स्टॉक आते रहते हैं। अगर जब आपको लेना है, आप यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए और आप यहाँ पे पसंद करके अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको कोई एक्टिवा सेगमेंट में चाहिए, स्कूटर सेगमेंट में कोई गाड़ी चाहिए, तो यहाँ पे आपको मोपेड गाड़ी भी देखने को मिल जाएगा जो अप्रेला की है। और ये 125 cc सेगमेंट में आता है। इसमें आपको 125 cc और 150 cc दो अलग बाइक मिल जाएगा जो डिस्क ब्रेक के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसकी प्राइस और मॉडल आप बताएंगे भैया क्या है? 125 cc है, 18 मॉडल जी। ये पड़ेगी आपको 85,000 रुपये जी। और 150 cc वाली भाई? ये सेम रेट पड़ेगी आपको, ये 18, ये 150 है, ये 150 है। और ये आपको 125 cc सेगमेंट में मिल जाएगी। ये काफ़ी बाइक जैसा आपको चलाने का मज़ा देती है दोस्तों ये गाड़ी। और काफ़ी पिकअप के साथ ये उठती है गाड़ी, और काफ़ी हेवी कंडीशन में ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ये मात्र आपको 14,000-15,000 किलोमीटर चली यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। उसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको रेड कलर में काफ़ी प्यारी कलर के साथ ये है, एकदम नई गाड़ी है जी। ये 18 मॉडल गाड़ी है, 18 लास्ट की गाड़ी है, 19 मॉडल जी। ये पड़ेगी 85,000 रुपये आपको, ये बहुत कम चली हुई गाड़ी है। 1137 किलोमीटर ही चली हुई गाड़ी ये दोस्तों, और काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है। अगर आप ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कितनी प्यारी कंडीशन में है। ये रेड और ब्लैक में काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये लुक आप देख सकते हैं। और ये कंडीशन आपको यहाँ पे एकदम फ्रेश मिल जाएगी। और उसके बाद मैं और भी बता दूँ, गाड़ी यहाँ पे एक्टिवा सेगमेंट में आप ये देख सकते हैं। इसका मॉडल प्राइस बताएंगे भैया? ये मॉडल 18 मॉडल है जी, 17 मॉडल है ये जी, 17 लास्ट की गाड़ी है जी। ये पड़ेगी आपको 55,000 रुपये। गाजिया ये एक स्कूटर का नाम है, और ये आपको कंडीशन आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या कंडीशन में मिल रही है। उसके बाद ही एक होंडा की और गाड़ी है, एक्टिवा 5G, ये आप गोल्डन कलर में देख रहे हैं। ये 18 मॉडल सर जी, ये पड़ेगी आपको 52,000 रुपये। 52,000 में आपको एक्टिवा 5G मिल जाएगी, और ये इसके साथ ही एक 4G भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये आप 5G देख रहे हैं, ये 27,000 किलोमीटर चली है दोस्तों। और ये जो 4G वाइट कलर में आप देख रहे हैं, इसकी प्राइस और मॉडल आप बताएंगे? ये 18 मॉडल जी, ये 4G जी, 4G मॉडल गाड़ी है ये। ये पड़ेगी आपको 45,000 रुपये, सिर्फ 45,000 रुपये में गाड़ी पड़ेगी। 45,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा जो 39,000 किलोमीटर ही चली हुई है। उसके बाद ही दोस्तों एक और है, ये 14 मॉडल वेस्पा। ये 14 की वेस्पा आप देख रहे हैं, इसकी प्राइस बताएंगे भैया कितनी है? 40-45,000 रुपये पड़ जाएगी आपको गाड़ी ये जी। चलिए 14,000 को चली, 14,780 किलोमीटर, ये आपको 14,000 किलोमीटर चली गाड़ी यहाँ पे आपको मिल जा रही है दोस्तों। आपका 14-20,000 किलोमीटर चलना गाड़ी के लिए ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद ही मैं एक और बाइक यामा की है, एक स्कूटर, वो भी आपको बता देता हूँ। 18-19 मॉडल है ये जी, ये पड़ेगी आपको 52,000। दोनों आपको 52,000 में मिल जाएगी। ये चली हुई है दोस्तों 16,000 किलोमीटर, और ये चली हुई है दोस्तों 8,000 किलोमीटर। दोनों की कंडीशन काफ़ी सही लग रही है मुझे को। यहाँ पे भैया के पास जो मैं कलेक्शन देख पा रहा हूँ, काफ़ी शानदार कलेक्शन के साथ यहाँ पे भैया के पास गाड़ियाँ रखी हुई है। साहिद खान भाई, कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया भाई। और आपके पास जो गाड़ियों का कलेक्शन है वो आप बताएँगे भैया कि मॉडल कब कब की है और क्या क्या प्राइस आपके पास मिल जाएगी? ये वर्जन 3 2020 मॉडल है बड़ी भैया, ये 6 है जी, ठीक है। इसका अपन बताते हैं 1,55,000 रुपये। 1,55,000 रुपये, और ये नई कितने आती होगी भैया? ये नई 85 की आती है, ठीक है। उसमें भी 1,55,000 में हम कम बेसी करके 1,45 में फाइनल देते हैं। अच्छा भैया, मतलब भैया के पास आप आएंगे तो नेगोशिएबल रहेगा प्राइस। और भैया के पास ये जो गाड़ी है ये BS6 है, अगर आप नया लेंगे तो आपको ये जो है आप इसमें 20-30,000 रुपये, 40,000 रुपये बचा सकते हैं। और ये कितनी चली हुई है मैं बता देता हूं दोस्तों, ये सिर्फ आपको 8,000 चली हुई ये गाड़ी आपको यहां पे मिल जाएगी। उसके बाद ही एक और गाड़ी है, होंडा की CBR 250R। अगर आपको 250 सेगमेंट में कोई बाइक चाहिए तो यहां पे आपको 250 सेगमेंट भी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल रही है। भैया इसकी प्राइस आप बताएँगे? ये 70,000 रुपये की, मात्र 70,000 में आपको 250 मिल जाएगी होंडा की, और ये चली हुई है दोस्तों ये 42,000 किलोमीटर चली हुई है, और ये काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल जा रही है। उसके साथ ही एक सुजुकी की और बाइक है, सुजुकी की जिक्सर, इसका मॉडल और प्राइस बताएंगे भैया आप? ये 2016 मॉडल है, एकदम फाइनल रेट है इसका 70,000 रुपये। 70,000 में आप छोड़ देंगे जी? 13,000 ओरिजिनल चली है गाड़ी, मात्र 13,000 में चली हुई गाड़ी है दोस्तों, और ये काफ़ी सही कंडीशन में आपको दिख रही है, जो 70,000 में भाई आपको यहाँ पर छोड़ देंगे आपके लिए। उसके साथ ही अगर आपको अपाचे चाहिए तो अपाचे भी आपको सही कंडीशन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा, अपाचे जो आप देख रहे हैं ये 160 सेगमेंट की गाड़ी है, 33,000 किलोमीटर चली, मात्र 33,000 किलोमीटर ही चली हुई है। और इसका प्राइस क्या है, मॉडल क्या है भैया? ये 50,000 पड़ेगी भैया जी, है ना, 2016 मॉडल है, उसमें भी थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आप आएंगे तो आपको नेगोशिएबल हो जाएगा। ये 180 सीसी की गाड़ी है, और काफ़ी सही कंडीशन में अगर आप अपाचे देख रहे हैं तो अपाचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिक्सर आपको मिल जाएगा, और आपको CBR मिल जाएगा, R1 आपको वर्जन 2020 की गाड़ी है, जो काफ़ी कम चली हुई है। यहाँ पर आपको सारी गाड़ियाँ लगभग लेटेस्ट ही मिलेगा, और ये BX6 गाड़ी है।
दोस्तों यहाँ पे एक और बाइक आपको दिख रहा है, काफी स्पोर्टी लुक के साथ है, कलर भी बहुत प्यारा है। ये होंडा की CBR है, ये होंडा की CBR दोस्तों आप देख रहे हैं, काफी मॉडिफाई की गई है और काफी बेहतरीन कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल रही है। भैया इसकी प्राइस और मॉडल आप बताएंगे? 17 मॉडल है, ये पड़ेगी 75 आपको, मात्र 75 में आप दे देंगे। ये 150 सीसी सेगमेंट वाली है, 150। ये 150 सीसी सेगमेंट वाली बाइक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका और काफी सही कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल जा रही है। उसके साथ ही हीरो की काफ़ी पसंद की जाने वाली गाड़ी है, ये है हीरो की इग्निटर जो 2014 मॉडल है। इसी प्राइस बताएंगे भैया क्या है? ये पड़ेगी आपको 35,000 में, मात्र 35,000 में आपको स्पोर्टी लुक वाली ये हीरो की इग्निटर यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ ही भैया आप यहाँ पे और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं कस्टमर के लिए, कि जो मार्केट में और भी लोग बैठे हुए हैं इतने सारे लोग, तो उनसे आपका क्या डिफरेंस है, आप कस्टमर के लिए प्लस पॉइंट क्या देते हैं वो बताएंगे आप? ऐसा है कि जो हमारे लोकल कस्टमर्स हैं इनके लिए यहाँ पे हमारा एक वर्कशॉप है, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है एज इट इज शोरूम जैसे ही काम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है अगर आप सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे पास लेके आ सकते हैं आप गाड़ी, आपको शोरूम से और हमारे पास कराने से आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी गाड़ी सही से चलेगी भी और मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज ये है फैसिलिटी में, क्योंकि गाड़ियां हमारे वर्कशॉप से रेडी होके यहाँ पे आने के बाद ही हम सेल करते हैं, मतलब हम पहले सेटिस्फाई हैं उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। और ये भरोसा दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, जब तक भैया को अपना गाड़ी में अगर भरोसा नहीं है कि ये गाड़ी अब रेडी हो गई है तभी वो गाड़ी देते हैं, अगर वैसा गाड़ी रेडी नहीं हुई तो भैया यहाँ पास से गाड़ी अवेलेबल कराते ही नहीं है। मैं हर एक कलेक्शन भैया का दिखाऊंगा, चाहे आपको 220 एफ चाहिए पल्सर की, चाहे आपको KTM चाहिए, चाहे आपको बुलेट चाहिए या यामा की R15। भैया के पास दो स्पेशल बाइक भी है, मैं वो भी कवर करूंगा जो कि जावा की है, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है आप देखिएगा। दोस्तों आपको अगर BX6 की लेटेस्ट मॉडल चाहिए version 3 में तो वो भी भैया के पास अवेलेबल है। और दोस्तों सेकेंड हैंड आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नए के नए कंडीशन में आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है, वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आपको नए से 40,000 से 50,000 रुपये कम कीमत में आपको सही कंडीशन की गाड़ी मिल जाती है। और भाई आप ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या क्या फैसिलिटी कस्टमर के लिए आप देते हैं? फैसिलिटी का ऐसा है धीरज भाई कि जो लोकल हमारे यहाँ के कस्टमर रहते हम उनको ही फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल करवाते हैं, अदरवाइज जो बाहर के हमारे कस्टमर उनके लिए हम लोग ये सुविधा नहीं कर पाते क्योंकि फॉर्मेलिटीज हमको यहाँ रायपुर की लोकल लगती है, लोकल एक गारंटर देना होता है जी। और दूसरी चीज ये है हमारे पास काफी सारे कस्टमर बाहर से आते हैं जिनको फाइनेंस एकदम जरूरी होता है तो वो हम लोग करा नहीं पाते, इस चीज की जानकारी इस वीडियो में इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है फाइनेंस को लेके। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी मेरे कस्टमर्स हैं बाहर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जैसे वो वहां से अगर रायपुर आते हैं कि फाइनेंस को लेके कि हम वहां अचानक पहुंच जाएं और फाइनेंस हमें मिल जाए तो ये नहीं हो पाता यहाँ पे, हम लोकल को ही यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस। अगर दोस्तों भाई का कहना ये है कि अगर आप लोकल हैं तो आपके लिए इजी फाइनेंस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको यहाँ पे बाइक अवेलेबल ज़रूर होगी, चाहे आप नगद में लेके जाएं या अपना कुछ आप सेल्फ फाइनेंस करवा के आप वो भैया को अमाउंट दे सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंस में चाहिए तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोकल हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे फाइनेंस मिल जाएगी, बाहर के लिए थोड़ा दिक्कत इसलिए भी होता है। और ये वीडियो में डालने का मकसद भी ये है कि बहुत से लोगों को फाइनेंस में चाहिए, वो कॉल करते हैं और रायपुर आने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे फाइनेंस नहीं होता, तो ज़बरदस्ती उनका एक तो आना जाना समय अलग बर्बाद होता है और उनका पैसे भी बहुत बर्बाद होते हैं। दोस्तों भैया के पास जो मैं कलेक्शन देखा हूँ काफ़ी सुपर कलेक्शन है, काफ़ी कंडीशन गाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगी, साथ ही आपको यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा, भैया का यहाँ पे भरोसा भी मिलेगा, अगर गाड़ी में मान लीजिए कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो भैया यहाँ पे बैठे हैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। सब काफ़ी सही कंडीशन में यहाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी, जो आप मैंने सारा बाइक को कलेक्शन यहाँ पे देखा है भैया का काफ़ी सही कंडीशन में है। सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय भी दिया और काफ़ी कंडीशन गाड़ी आप यहाँ पे रखते हैं, मार्केट से काफ़ी हटके का आपके पास कलेक्शन देखने को मिलता है जो शायद ही मैं रायपुर में और कहीं देख पाता हूँ। दोस्तों मैं अपने वीडियो में काफ़ी सही बाइक लेके आते रहता हूँ, काफ़ी कंडीशन गाड़ी लेके आता हूँ और मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।